दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर दो दिवसीय गोष्ठी का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर ज्ञान सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर ज्ञान सिंह ने मानसिक बीमारियों पर कहा कि मानसिक बीमारियां हमारे सामाजिक संबंधों के टूटने की वजह से हो रही है। हमें सामाजिक संबंधों की प्राथमिक प्रयोगशाला परिवार की संरचना पर विशेष ध्यान देना होगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को सफलता ही मिले यह जरूरी नहीं, अतः व्यक्ति को ऐसे क्षेत्रों में जहां वह असफल है एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। यदि वैकल्पिक दृष्टिकोण ज्यादा सकारात्मक है तो व्यक्ति अपनी निराशा से बाहर आने में सक्षम होगा। यदि हम अपने जीवन में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं तो एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना होगा और उस स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम सहित अन्य माध्यमों का सहारा लेना पड़ेगा। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर अर्चना सिंह, डॉक्टर निधि राय, डॉक्टर शैलेश सिंह, डॉक्टर प्रियंका सिंह, डॉक्टर त्रिभुवन मिश्रा, डॉक्टर संजय त्रिपाठी सहित छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा। अतिथियों से आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का विद्यार्थियों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका जो समाधान है, उनकी जो उपचार पद्धति है, थोड़ा सा थोड़ी सी ही जानकारी सही, पर इन सभी विषयों पर अगर लेकर जाएंगे तो वे स्वयं तो सशक्त होंगे ही, अपने सशक्तिकरण के द्वारा, अपने जैसा कि शाही जी ने कहा अभी कि नॉलेज इज पावर, तो आप थोड़ा सा एम्पावर होके जब जाएंगे तो आप कुछ अन्य लोगों के जीवन में भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं उनके समाधान के लिए अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं, समाधान के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। और एक मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते इस योगदान को करके आप आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं वैश्विक स्तर पर हैं बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, पूरे विश्व में लगभग 10% लोग मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव वे कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, नकारात्मक पक्ष ये है कि ये सभी लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान जो अनुभव कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का, वो स्वयं या दूसरों के द्वारा उपचार के जो का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अनअवेयरनेस के कारण, स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन के कारण, डर के कारण, या जैसा कि सबसे बड़ा कारण जो बताया गया है अनअवेयरनेस के कारण, वो उपचार के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। और अगर उपचार चाहते भी हैं तो कई बार संसाधनों की कमी के कारण उनको उपचार नहीं मिल पा रहा है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और इस निमित्त जो है आज महाविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग के तरफ से दो दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका पहला दिन आज है।
आज तीन बड़े कॉलेजों के पूर्व विभागाध्यक्ष, जिसमें स्वामी सहजानंद गाजीपुर के पूर्व विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान प्रोफेसर ज्ञान सिंह जी, सेंट एंड्रयूज कॉलेज के पूर्व विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान डॉक्टर सुशील तिवारी जी और इसी महाविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर शीला सिंह जी हमारे यहाँ जो है मुख्य वक्ता और विशिष्ट वक्ता के रूप में हैं। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के अंदर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, उन कारणों के बारे में और उपचार के बारे में उनको बताना जिसकी किन परिस्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। आज वैश्विक स्तर पर इसे मनाया जा रहा है और अपना महाविद्यालय इस सेमिनार के माध्यम से आज के इस अवसर को याद कर रहा है।